हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? गए हो बहुत अच्छे होंगे। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमारा ट्रिग्नोमेट्री का दूसरा लेक्चर है बेटा, जो हम लोग RGPB मैथमेटिक्स 1 डिप्लोमा के बच्चों के लिए पढ़ रहे हैं। तो अगर कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो मैं बच्चों को ये बोलूंगा कि बेटा लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, आप जाइए, सबसे पहले सिलेबस का वीडियो देखिए, उसके बाद लेक्चर नंबर 1 देखिए, तब जाके आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। और जो बच्चा कंटिन्यू कर रहा है वो इस लेक्चर में क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे। देखो, मैंने जो स्टडी पैटर्न रखा है बेटा, वो आपका कुछ इस प्रकार का है कि सबसे पहले हम वो फॉर्मूले को डिस्कस करेंगे, जो फॉर्मूला हमें क्या करना है आज के न्यूमेरिकल्स में यूज करना है। होता क्या है ना बेटा कि फॉर्मूले बहुत सारे हैं, लेकिन मैं अगर आपको इकट्ठा सारे फॉर्मूला लिखवा दूंगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार कभी कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो मैं क्या करूंगा बेटा, हर लेक्चर के स्टार्टिंग में आपको कुछ फॉर्मूले लिखवा दूंगा और इसी फॉर्मूले पे बेस में क्या करूंगा, आपको क्वेश्चंस भी करवा दूंगा, ताकि आपको ये भी पता चल जाए कि हाँ एक ऐसा फॉर्मूला होता है और इस फॉर्मूला का आपको यूज भी पता चल जाएगा। तो इससे क्या होगा बेटा, धीरे धीरे फॉर्मूलेज भी याद हो जाएंगे और आप अपने न्यूमेरिकल्स को भी कर लोगे। अब होता क्या ना, कोई टीचर इकट्ठा 70-80 फॉर्मूला लिखवा देता है, अब बच्चे अपना सर पटकते हैं कि भैया अब क्या होगा। तो ऐसा हम लोग नहीं करने वाले, हम लोग पहले फॉर्मूला डिस्कस करेंगे, फिर उसी फॉर्मूले पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, चलिए। तो आज का जो सबसे पहला फॉर्मूला है वो है आपका sin 2a का। तो sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। ये हो गया आपका सबसे पहला फॉर्मूला। दूसरा नंबर फॉर्मूला क्या बेटा, cos 2a का फॉर्मूला। तो cos 2a का फॉर्मूला होता है cos a का होल स्क्वायर माइनस sin a का होल स्क्वायर। ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया। ठीक है, चलिए। उसके बाद tan a + b, है ना, tan a + b का फॉर्मूला होता है tan a + tan b अपॉन में 1 - tan a tan b। ये हमारा हो गया तीसरा फॉर्मूला। ठीक है बेटा, चलिए। उसी तरीके से जैसे कि tan a + b है, तो tan a - b का फॉर्मूला होगा tan a - tan b अपॉन में 1 + tan a tan b। अब देखो यहां पर प्लस है, तो यहां ऊपर में भी क्या है बेटा, प्लस है, लेकिन नीचे क्या है, माइनस। लेकिन जब यहां पर माइनस है तो यहां पर भी माइनस है बेटा, और नीचे क्या है, उसका अपोजिट साइन प्लस है। ठीक है, तो मैं आपको ये बोलूंगा बेटा कि क्वेश्चंस के साथ साथ आप फॉर्मूले को भी 5-6 बार लिख लेना, ताकि फॉर्मूले क्या हो जाए, आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले आप एक पेज में इस फॉर्मूले को लिखो। ठीक है बेटा, चलिए। अब देखिए, जब हम लोग यहां पर कैलकुलेशन करेंगे ना, जब हम लोग यहां पर कैलकुलेशन करेंगे बेटा, तो आपको कुछ इस प्रकार का कैलकुलेशन देखने के लिए मिलेगा। तो थोड़ा सा उस कैलकुलेशन को मैं बता देता हूं। जैसे कि मान लो हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, अपन को मिला 1 - 3/4। ठीक है, तो अगर इसको हमें सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे बेटा, हम लोग यहां पर एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम में यहां पर 4 लूंगा ना, तो ये 4 क्या होगा, यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 * 4 और आपका माइनस में 3। तो ये हो जाएगा 1 * 4 आपका 4 माइनस 3/4, तो ये हो जाएगा 1/4। मान लो कि हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं और कुछ ऐसा आ जाए, मानकर चलो 2 - 9/5 ऐसा कुछ आ जाए बेटा, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 को एलसीएम लेंगे। तो अगर हम 5 को एलसीएम लेते हैं, तो ये वाला जो 5 है ना, ये यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 के साथ, तो ये हो जाएगा 2 * 5 - 9। अब इसको सॉल्व कर देंगे, 2 * 5 = 10 माइनस 9/5, तो ये हो गया 1/5। तो ये आपका पहला कैलकुलेशन, ये आपका दूसरा कैलकुलेशन। ठीक है, अब मान लो कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं बेटा, और क्वेश्चन को सॉल्व करने में कुछ ऐसा आ जाए, जैसे कि 2/3 / 3/9 ऐसा कुछ आ जाए, तब पता है ऐसे वाले मैथ को कैसे सॉल्व करना है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
तो सबसे ऊपर कौन है 2 और सबसे नीचे कौन है 9, तो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों बीच वाले हैं ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 into 3। तो ये कुछ बेसिक सा कैलकुलेशन है। देखिए बेसिक फॉर्मूले के साथ बेटा मैं बेसिक कैलकुलेशन भी आपको बता दूंगा, घबराना नहीं है बेटा, घबराना नहीं है, बस मेहनत करना है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री टफ है, इस बात को आप समझो, है ना। अगर आप मेहनत नहीं करोगे तो क्वेश्चंस तो नहीं बनने वाले आपसे, ना आप एग्जाम में पास हो पाओगे, ना मैथमेटिक्स 1 में, ना मैथमेटिक्स 2 में। तो मैं फिर से बोल रहा हूं कि मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि चीजें टफ है बेटा। आप सोचोगे सीधे एग्जाम के टाइम पे कर लें तो वो भी पॉसिबल नहीं है, एक बार में आप कितना खाना खाओगे, जितना पेट उतना ही तो खाओगे ना, वरना पता चलता है हम लोग खाना खाने जाते हैं और एक ही बार दिन भर का खा लेते हैं, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जो चीजें हैं बेटा इंपॉर्टेंट वो मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। चलिए अब आप इस कैलकुलेशन को नोट कर लीजिए। अब आते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन का अप्रोच समझना कि क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है ना। हाँ, अब क्या मैं थोड़ा यहाँ पे एडिटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ, है ना, थोड़ा सा टाइम आपको ही मिल जाए, वरना पता चला एडिटिंग करूंगा चीजें तुरंत तुरंत पास होंगी फिर। चलिए बेटा क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा, सबसे पहले आप क्वेश्चन समझो। If 10a is equals to 3/4, 10a की वैल्यू कितनी है, 3/4 है, ठीक है। Then find the value of sin 2a and cos 2a. तब अपन को क्या करना है बेटा, sin 2a और cos 2a का वैल्यू खोजना है। फिर से मेरी बात को आप समझो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि भैया 10a का वैल्यू है कितना, 3/4, ठीक है, ये अपन को क्वेश्चन दे रहा है, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है कि 10a 3/4 है, आप क्या कीजिए, आप sin 2a का वैल्यू बताइए और आप cos 2a का क्या कीजिए, वैल्यू बताइए। तो अभी मैंने आपको दोनों का फॉर्मूला लिखवाया था, मैंने लिखवाया था ना, देखिए बेटा अभी मैंने लिखवाया था sin 2a का फॉर्मूला, क्या था भैया sin 2a का फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस ए, और मैंने अभी जस्ट लिखवाया था कॉस 2a का फॉर्मूला, तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या था आपका, कॉस a का होल स्क्वायर माइनस साइन a का होल स्क्वायर। तो अगर आप दोनों ही फॉर्मूले को आप अच्छे से देखोगे तो आपको दिखेगा कि साइन a का जरूरत है आपको और cos a का जरूरत है, मतलब अगर आपको sin a और cos a पता चल जाए तो आप sin 2a भी निकाल सकते हैं और आप cos 2a भी क्या कर सकते हैं बेटा, निकाल सकते हैं। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले sin a और cos a को निकालेंगे, और अगर हमारा sin a और cos a निकल जाएगा तो हम आसानी से बेटा sin 2a और cos 2a निकालेंगे, ठीक है। तो भैया मैं फिर से वही बात बोलूंगा कि अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हो आपको ये आइडिया ही नहीं लगेगा कि क्वेश्चंस आपको कैसे करना है, ठीक है। तो भैया प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस यहां पर मस्ट है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन क्या है बेटा, क्वेश्चन दिया गया है 10a इज इक्वल्स टू 3/4। मैंने इससे पहले वाले क्लास में आपको 10 का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है 10 का फॉर्मूला, p/b, ठीक है ना। अब आप यहां पर देखो p के जगह पर 3 है तो p की वैल्यू कितनी हो गई, 3, और b के जगह पर कौन है बेटा, b के जगह पर है 4, ठीक है। इससे पहले करवा चुके हैं ऐसा क्वेश्चन, है ना। 10a कितना है, 3/4, और मैंने बताया था कि 10 का क्या होता है फॉर्मूला, p/b होता है ना। तो देखो p के जगह पर 3 है और b के जगह पर 4 है, अब यहां पर p भी पता है और हमें b भी पता है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए h। तो h कैसे निकालेंगे बेटा, h हम लोग निकालेंगे pgt से, किससे निकालेंगे, pgt से, ठीक है। क्या कहता है pgt, p² + b² इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। p का मान कितना है, p का मान 3 है तो 3 का होल स्क्वायर, b का मान कितना है 4 तो 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 3 का होल स्क्वायर मतलब 3 into 3,
4 का होल स्क्वायर मतलब 4 इंटू 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है। 3 जा 9, 4 जा 16 इज इक्वल टू एच स्क्वायर, ठीक है बेटा। चलिए 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। अगर हम इस स्क्वायर को इस तरफ भेजेंगे, ये स्क्वायर इधर आएगा तो ये रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा रूट 25। और सभी गधे को पता है कि रूट 25 किसका होता है, 5 का होता है। तो यहां पर h की वैल्यू कितनी निकल गई बेटा, h की वैल्यू निकल गई 5, ठीक है। सबसे पहला काम तो अपन ने ये कर लिया है ना बेटा, तो घबराना नहीं है, आई बात समझ में, थोड़ा प्रैक्टिस करना। अभी मानकर चलो कि बहुत ऐसी चीजें हैं जो सर के ऊपर से जाएंगे, बहुत ऐसे बच्चे भी हैं जिनको अभी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये चल क्या रहा है। जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, क्लासेस आगे बढ़ेंगे बेटा, वैसे वैसे आपको समझ में आने भी लगेगा। भागकर कहीं नहीं जाना, आपके मन में क्या चल रहा है ना वो मुझे पता है, ठीक है। चलो घबराते नहीं है ना। हाँ भैया, तो टेन ए दिया हुआ था, टेन ए का मतलब क्या, पी अपॉन बी, पी भी पता था, बी भी पता था, एच हमने क्या किया, निकाल लिया, ठीक है बेटा। चलिए, तो हमें जरूरत किसका था, हमें जरूरत था साइन ए का। तो साइन ए मतलब क्या, पी अपॉन एच, मैंने इससे पहले फॉर्मूला लिखाया था साइन का, तो साइन ए का मतलब क्या, पी अपॉन एच। पी कितना है बेटा, पी है हमारे पास 3, और एच कितना है बेटा, एच है हमारे पास 5। तो यहां से हमें पता चल गया कि साइन ए कितना है, 3/5। उसके बाद क्या जरूरत था, उसके बाद जरूरत था हमें कॉस ए का। कॉस ए मतलब क्या बेटा, बी अपॉन में एच, बी कितना है 4, तो बी की जगह पर 4 रख देंगे। एच कितना है बेटा, एच है हमारे पास 5। तो यहां से हमें कॉस ए पता चल गया 4/5। तो ये आपका कॉस ए और ये आपका साइन ए, ठीक है बेटा। चलिए, क्वेश्चन में निकालना क्या था, हमें क्वेश्चन में हमें निकालना था साइन 2a, है ना। हमें क्या निकालना था क्वेश्चन में, साइन 2a निकालना था। साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2sin a cos a। ये फॉर्मूला होता है किसका, साइन 2a का। क्या होता है भैया, 2sin a cos a, ठीक है। चलिए, तो 2 के जगह पर 2, साइन ए का मान कितना है, साइन ए का मान है 3/5, तो ये हो गया 3/5। उसके बाद कॉस ए का मान कितना है, कॉस ए का मान है 4/5, तो ये हो गया 4/5। अब देखो, 2 × 3 ऊपर वाले को ऊपर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 × 3 = 6 एंड 6 × 4 = 24, ठीक है। और 5 का मल्टीप्लाई 5 के साथ कर दो, तो 25। ये आपका पहला आंसर तैयार। भैया क्या बोलोगे, भैया आप बोलोगे सर टफ भी है इजी भी है, हम तो कंफ्यूज हो गए। भाई मेहनत करना कुछ नहीं है, ठीक है ना। चलिए, साइन 2a का मान निकल गया, अब क्या निकालना है, कॉस 2a का मान निकालना है। तो कॉस 2a का फॉर्मूला क्या लिखवाया था मैंने, कॉस a का होल स्क्वायर माइनस में साइन ए का होल स्क्वायर। चलिए, तो कॉस ए का मान कितना है, 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस में साइन ए का मान कितना है, 3/5, तो ये हो गया 3/5 का होल स्क्वायर। चलो, तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या, 4 × 4, और नीचे कितना, 5 × 5 माइनस 3 × 3 का स्क्वायर और 5 × 5, तो ये हो गया 4 × 4 = 16/25 माइनस 3 × 3 = 9 और 5 × 5 = 25। दोनों बेटा 25 है, तो एलसीएम इसका 25 हो जाएगा, है ना। दोनों में देखो नीचे क्या है, 25, तो ये हो गया 25, ऊपर कितना है 16 − 9, तो 16 में से 9 जाएगा तो बचेगा 7, तो 7/25, ये आपका दूसरा आंसर हो गया। और ये 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कब पूछा भैया, 2019 में पूछा है बेटा। थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आएगा समझ में, घबराना नहीं है। भाग जाओगे कोई मतलब नहीं बनता, कहां जाओगे भाग, कितने बेसिक से कोई नहीं बताने वाला,
भग कर जाओगे कहाँ, तो आराम से पढ़ो, चीजें धीरे धीरे क्या होंगी बेटा, क्लियर होंगे। तो इसको आप नोट करो, इसके ही जैसा एक और क्वेश्चन करते हैं जहां से चीजें क्या होंगी बेटा और क्लियर होंगी। सो नोट इट मेरा बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए माय डियर फ्रेंड एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं, भोला भाला क्वेश्चन करते हैं। और अब तक क्या था ना, हम लोग भोले भाले थे, अब हम भोले भाले नहीं है क्योंकि हमें अब बहुत सारी चीजें पता चल गई हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/5 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 2a एंड cos 2a। हिंदी में भी क्वेश्चन रिफ्लेक्ट हो रहा होगा बेटा, है ना। तो हिंदी मीडियम वाले रोना मत, किशोर तो इंग्लिश में पढ़ा रहे, मैथ का कोई मीडियम नहीं है साहब, है ना। क्वेश्चन हिंदी में रिफ्लेक्ट हो रहा होगा, आप देख सकते हैं और देखने के बाद आपको समझ में आ रहा होगा क्या दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन में। हिंदी में दिया हुआ होगा यदि साइन ए इज इक्वल टू 3/5 तो क्या कीजिए, साइन 2a और cos 2a का वैल्यू मतलब जो मान है वो ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये छोटी सी हिंदी यहां पर यूज होगी, तो हिंदी के लिए रोना नहीं है, ठीक है। अब देखो हमें पता है, हमें क्या पता है कि साइन 2a का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 sin a cos a, और हमें ये भी पता है कि जो cos 2a होता है इसका फॉर्मूला होता है cos a का होल स्क्वायर माइनस sin a का होल स्क्वायर, है ना, पता है ना फॉर्मूला, तो पता चल गया। अब घमंड करो, अब तक रो रहे थे सर हमें कुछ नहीं पता, अब ये पता है इस पे घमंड करते हैं, हमें ये पता है। अब देखो इसके लिए चाहिए क्या बेटा, इसके लिए आपको चाहिए sin a का वैल्यू और cos a का वैल्यू, है ना। और cos 2a के लिए भी क्या चाहिए आपको, sin a का और cos a का वैल्यू चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, sin a का और cos a का वैल्यू निकालेंगे, उस वैल्यू को निकालने के बाद यहां पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो भैया मैथ इजी है, हाँ रो मत, मेहनत करो थोड़ा सा क्या। चलिए बेटा यहां पे देखते हैं, तो क्या दिया गया है हमें, साइन का मान दिया गया है। चलिए तो साइन ए, है ना, हमें दिया गया है साइन ए इज इक्वल टू 3/5। सभी गधे को पता है कि साइन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है पी अपॉन एच। तो यहां पर आप देखो पी के जगह पर क्या है, पी के जगह पर 3 है, और एच के जगह पर क्या है, एच के जगह पर है 5, है ना भैया। तो देखो पी का मान हमें पता चल गया, एच का मान हमें पता चल गया, अब हमें चाहिए क्या, बी का मान। तो बी का मान कैसे निकालेंगे भाई, बी का मान निकालेंगे इस वाले फॉर्मूले से, पी जी टी से। क्या कहता है पी जी टी, पी जी टी कहता है पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर होता है, है ना साहब। चलिए पी का मान कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर, बी का मान पता नहीं है, ठीक है बी का मान पता नहीं है, एच का स्क्वायर, एच पता है कितना 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। अब देखो 3 का स्क्वायर मतलब कितना, 3 × 3 बी स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर मतलब 5 × 5 3 × 3 = 9 बी स्क्वायर, 5 × 5 = 25 इस 9 को क्या कीजिए आप, इधर भेज दीजिए, तो बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 − 9 मतलब बी स्क्वायर हो जाएगा 16। अब अगर इस स्क्वायर को हम उधर भेजते हैं तो ये हो जाएगा √16, कितना हो जाएगा √16, अगर स्क्वायर उधर जाता है तो रूट हो जाएगा। और सभी को पता है √16 कितना होता है बेटा, √16 होता है 4, और ये मैं आपको कैलकुलेटर से भी बता दूंगा कि कैसे निकलता है, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है बेटा। चलिए तो क्वेश्चन में क्या था, सबसे पहले साइन ए का वैल्यू दिया हुआ था, साइन ए का वैल्यू मतलब क्या, पी का मान पता था, एच का मान पता था, हमने क्या किया बी का वैल्यू भी निकाल लिया, बी कितना निकला बेटा, बी निकला 4। अब देखो साइन 2a और cos 2a के लिए हमें क्या चाहिए, साइन 2a और cos 2a के लिए हमें चाहिए साइन a का वैल्यू। तो देखो साइन a तो क्वेश्चन में ही दिया हुआ था कितना है, 3/5। दूसरा हमें क्या चाहिए बेटा, दूसरा हमें चाहिए cos a का वैल्यू, तो cos a का वैल्यू नहीं दिया हुआ था, तो cos a का वैल्यू क्या होगा,
बी अपॉन एच, ठीक है बेटा। चलिए बी का मान कितना है, बी का मान है 4 और एच का मान कितना है 5। तो यहां से हमें कॉस ए का भी वैल्यू पता चल गया 4/5, ठीक है। तो चलिए कॉस ए का वैल्यू पता चल गया और साइन ए का वैल्यू पता चल गया। तो देखो बेटा, जब भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए बिल्कुल मत घबराना। आपको क्या दे रहा है क्वेश्चन में, आपको दे रहा है साइन 2a निकालिए और कॉस 2a निकालिए। तो अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप समझना इन दोनों को निकालने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ेगी, पहला साइन ए और दूसरा आपका कॉस ए। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकाल लेना है। और अगर आप साइन ए और कॉस ए को निकाल लेते हो बेटा तो बस काम खत्म, फॉर्मूला हमें याद रहेगा, फॉर्मूला लिखेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसे निकलता है मैं आपको इससे पहले वाले लेक्चर में ही बता चुका हूं, यहां पर भी मैं आपको बता रहा हूं कि निकलेगा कैसे, है ना। तो थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपका काम बन जाएगा। चलिए बेटा सबसे पहला निकाल लेते हैं, क्या निकालना है भैया, साइन 2a। तो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2a का, चलो ऊपर ही निकालते हैं, अच्छे से निकालते हैं, यहां पर निकालते हैं अच्छे से। क्या निकालना भैया सबसे पहले, साइन 2a। तो साइन 2a का फॉर्मूला होता है 2 साइन a कॉस a। अब देखो 2 है तो 2, साइन a का मान कितना है 3/5, तो साइन a के जगह पर क्या लिखेंगे 3/5। कॉस a का मान कितना है 4/5, तो कॉस a के जगह पर लिखेंगे 4/5। अब ऊपर वाला सब ऊपर से सब मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 3 जा 6 और 6 4 जा 24, और नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 × 5 25। तो ये आपका क्या हो गया बेटा, आंसर हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से दूसरी वैल्यू निकालनी है अपन को, क्या है दूसरा वैल्यू, कॉस 2a, है ना। कॉस 2a का वैल्यू कितना होता है, अब कॉस 2a का सॉरी फॉर्मूला होता है कॉस a का होल स्क्वायर माइनस में साइन a का होल स्क्वायर। तो कॉस a कितना है बेटा, कॉस a है 4/5, तो कॉस a है 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन a का वैल्यू कितना है बेटा, 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर। तो 4/5 का होल स्क्वायर मतलब 4 × 4 और नीचे वाला का 5 × 5, और 3/5 के होल स्क्वायर का मतलब कितना, 3 × 3 और नीचे कितना बेटा, 5 × 5, क्योंकि जब स्क्वायर होता है तो हम लोग दो बार क्या करते हैं, सेम ही नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं। 4 4 जा हो जाएगा 16 और 5 5 जा 25, यहां पे 3 3 जा हो जाएगा 9 और 5 5 जा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखो दोनों का एलसीएम सेम ले लेंगे, कितना 25, अब 16 में से 9 जाएगा, है ना। तो देखो 16 में से 9 जाएगा तो 7 और यहां बचा 25, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। तो पहले और दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है बेटा, सेम है। बस आप क्या करो, अप्रोच को पकड़ो कि किस अप्रोच से क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चंस जनरली रिपीट होते हैं बेटा, तो आप ये भी मानकर चलना कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं एग्जाम में उसी में से क्वेश्चन आएगा। तो आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, है ना, ताकि जब क्वेश्चन आए तो आपको आंसर भी क्या हो, थोड़ा बहुत पता हो बेटा, ठीक है। तो देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा साइन 2a और कॉस 2a वाला, आपको क्या करना है, साइन a और कॉस a का वैल्यू निकाल लेना है, और जब ये वैल्यू निकल जाएगा फॉर्मूले में पुट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए, नोट कीजिए। एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं जहां से चीजें और क्लियर होंगी। सो नोटेड बच्चा पार्टी, नोट इट। चलिए माय डियर फ्रेंड, एक और प्यारा क्वेश्चन करते हैं, भोला भाला क्वेश्चन करते हैं। आइए सबसे पहले सवाल को समझते हैं, उसके बाद सॉल्व करते हैं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करते हैं, करोगे ना भैया प्रैक्टिस करना, मुझे तो बड़ा डर लगता है। यहां देखो, इफ 10a इज इक्वल टू 5/6 एंड 10b इज इक्वल टू 1/11, मतलब 10a का और 10b का मान आपको दे दिया गया है, आपसे ये कह रहा है देन प्रूव दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 45,
ये क्या करना है बेटा, आपको प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए तो इस प्रूफ के लिए क्या दिया गया है बेटा, आपको जो दिया गया है वो ये दिया गया है कि भैया टेन ए का जो मान है वो है 5/6 और टेन बी का जो मान है वो है 1/11, ठीक है साहब। क्या प्रूफ करना है कि ए और बी को जोड़ने पर कितना आएगा, 45 डिग्री आएगा। तो इसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ये वाला, कौन सा बेटा, ये फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी वाला। क्या था फॉर्मूला, ये टेन ए प्लस बी था, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 - 10a 10b, ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहां पर यूज करेंगे, ठीक है। चलिए बेटा तो टेन ए प्लस बी, अब देखो टेन ए है तो टेन ए का मान कितना है, टेन ए का मान है 5/6, तो ये हो जाएगा 5/6। अच्छे से लिख देता हूं थोड़ा बड़ा बड़ा। टेन बी का मान कितना है, 1/11, ठीक है साहब। चलिए उसके बाद है नीचे में 1 तो 1, उसके बाद है माइनस तो माइनस, टेन ए तो टेन ए का मान कितना, 5/6, ठीक है। और ये देखो ये टेन बी है ना, तो इसका मतलब कि ये मल्टीप्लाई में है, तो टेन बी का मान कितना है, 1/11, ठीक है बेटा। चलिए तो यहां पर थोड़ा सा आप समझना कि मैंने यहां पर क्या किया है, टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, जो फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस टेन बी अपॉन में 1 - 10a और आपका टेन बी। अब यहां ऊपर में क्या है, टेन ए और टेन बी किसमें है, प्लस में है, और नीचे जो है बेटा टेन ए और टेन बी वो किसमें है, मल्टीप्लाई में। तो यहां पर आप समझना, फिर हमने क्या किया, हमने यहां पर वैल्यू पुट करा, टेन ए का वैल्यू कितना है, टेन ए का वैल्यू है 5/6, तो हमने यहां पे पुट किया 5/6, प्लस था तो प्लस। टेन बी कितना है बेटा, टेन बी है 1/11, तो टेन बी हो गया 1/11, उसके बाद नीचे में 1 था तो 1 माइनस टेन ए, तो टेन ए का मान है 5/6, ठीक है, और टेन बी का मान है 1/11। अब क्या करेंगे बेटा, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो बचपन में ऐसा सॉल्यूशन हम लोगों ने बहुत करा है ना, क्लास 7-8 में हम लोगों ने इस तरीके का सॉल्यूशन बहुत करा है। देखो अगर आपको दे दिया जाए 2/3 + 5/7, तो पता है इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा, इसको सॉल्व करने का तरीका यह है कि पहले इन दोनों को नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये दोनों क्या है, अलग अलग वैल्यू है, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर ये 7 का गुना यहां कर देंगे तो 2 × 7, और फिर इस 3 का गुना कहां कर देंगे, यहां कर देंगे, तो 3 × 5। तो बचपन में ऐसे कैलकुलेशन अपन ने बहुत करे बेटा, तो यहां पर भी क्या है, उसी तरीके का कैलकुलेशन है। तो आपको मैंने समझा दिया है ना, मैंने क्या बोला, घबराइएगा मत, एक दिन में ना मैं सारी चीजों को सॉल्व नहीं कर सकता, चीजें धीरे धीरे ही ठीक होंगी बेटा, बस आपको थोड़ा सा भरोसा मुझ पर करना पड़ेगा। यहां पर जो भी कैलकुलेशन आएगा ना, मैं आपको कोशिश करूंगा कि वो बता दूं, ठीक है। चलिए तो टेन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब देखो इन दोनों को सॉल्व करना, तो ये इससे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 × 11, अब ये 11 इस 5 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 11 प्लस, और ये 6 किसके साथ हो जाएगा, 1 के साथ, तो 6 × 1। फिर से समझो यहां हुआ क्या है, 5/6 प्लस में क्या है, 1/11। अब ये दोनों अलग अलग नंबर है, तो ऐसे वाले को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले एलसीएम लेंगे, 6 और 11 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, अब ये जो 11 है ना ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5 × 11, और ये जो 6 है ना बेटा ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 × 1, ठीक है। तो इसको हम लोग इस तरीके से करेंगे। चलो अब नीचे में क्या है, 1 तो 1 माइनस, अब देखो यहां पर सिंपल मल्टीप्लाई है, तो 5 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, तो ये हो जाएगा 5,
है ना, और 6 का मल्टीप्लाई 11 के साथ तो ये हो जाएगा आपका 66। ठीक है, चलिए तो tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब देखो इनको सॉल्व करने पे क्या आएगा बेटा, 5 × 11 55 प्लस में 6 × 1 6 है ना, 6 × 11 66। ठीक है बेटा, यहां देखो 5 × 11 55 6 × 1 6 और 6 × 11 66। ठीक है, चलिए और नीचे क्या, नीचे है 1 − 5/66। तो देखो जब लेक्चर स्टार्ट हो रहा था तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसा आ जाए 1 − 2/3 तो ऐसे वाले को सॉल्व करने के लिए आप क्या करोगे, 3 का एलसीएम लोगे, तो 3 यहां पर क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। तो जब क्लास स्टार्ट हो रहा था तो ये वाला कैलकुलेशन मैंने आपको बताया था। ठीक है, चलिए तो tan a प्लस बी इज इक्वल्स टू, अब देखो यहां पर देखो 55 प्लस 6 ये कितना हो जाएगा 61 और ये अपॉन में कितना 66। अब इसे सॉल्व करेंगे, इस वाले को देखो 1 − 5/66 को सॉल्व करेंगे, तो अगर हम यहां पे एलसीएम 66 लेते हैं तो 66 यहां पर क्या करना पड़ेगा मुझे, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 1 × 66। तो यहां पर अगर हम एलसीएम लेते हैं 66 का, तो इस 66 को हमें यहां पर देखो बेटा, फिर समझना, घबराओ मत, देख लो पूरे स्टेप्स, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं। हमने यहां पर क्या क्या वैल्यू पुट करा, इस वाले ऊपर वाले को सॉल्व करा, है ना, 5 × 11 55 6 × 1 6 है ना, और 6 × 11 66 अपॉन में क्या है बेटा 1 − देखो 5 × 1 5 6 × 11 66। मैं बस आपको इतना बोल रहा हूं कि अगर हम लोग 1 − 5/66 को सॉल्व करें तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे 66, तो जब हम एलसीएम लेंगे ना 66, तो ये 66 यहां पर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो गया 1 × 66। ठीक है, और माइनस का 5। तो देखो बेटा एक बात समझो, ये जो चीजें मैं बता रहा हूं ये क्लास 7-8 की चीजें, मैं अपने एंड से पूरा कोशिश कर रहा हूं आपको बताने का, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि थोड़ा आपको अभी टफ लग रहा होगा, लेकिन जब तक ही टफ लगेगा जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करते हो, मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, ये बात आप समझ जाओ, वरना मैथमेटिक्स 1 नहीं निकलने वाला। मैंने कोई एक ऐसा स्टेप गैप नहीं करा जो आपको समझ में ना आए, तो बेवकूफ की तरह नहीं बनना है, मेहनत करो। ठीक है, चलो यहां देखो tan a प्लस बी इज इक्वल टू, अब देखो ऊपर वाले को देखो 55 प्लस 6 ये आपका 61 और अपॉन में क्या 66। ठीक है, अब यहां 66 का एलसीएम लेंगे नीचे, तो जब नीचे 66 का एलसीएम नहीं है तो ये 66 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 66 माइनस में 5। ठीक है, तो ये हो गया tan a प्लस बी इज इक्वल टू, ऊपर हो गया 61 अपॉन में 66 और नीचे बेटा देखो 1 × 66 ये हो गया 66 माइनस 5 अपॉन में 66, है ना, 1 × 66 कितना हो गया 66। तो tan a प्लस बी इज इक्वल टू कितना हो गया 61/66 अपॉन में देखो 66 में से 5 माइनस करेंगे तो 61 अपॉन में कितना 66। अब आप देखो ऊपर और नीचे दोनों क्या हो गया, सेम हो गया, ऊपर भी क्या है 61/66 और नीचे भी क्या है 61/66, ये दोनों क्या हो जाएगा कट जाएगा, बचेगा कितना 1। तो यहां से अपन को वैल्यू मिला tan a प्लस बी इज इक्वल टू 1। ठीक है भाई साहब, तो यहां तक आप अच्छे से नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा कैलकुलेशन है, जहां पर जो चीजें आई हैं वहां पर मैंने वो चीजें बताई हैं। थोड़ी कठिनाइयां होंगी क्योंकि टेंथ के बाद बहुत गैप के बाद बच्चा पढ़ता है, लेकिन अगर भगोगे तो भग सकते हो, इसमें फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, इसे आप क्या कीजिए नोट कीजिए। ठीक है ना, अच्छे से गैप कर करके नोट करो, बढ़िया बेहतरीन।
चलिए बेटा, तो अपन को मिला क्या? अपन को मिला है tan a प्लस बी इज इक्वल टू वन। हम यहां मिल गया ना, tan a प्लस बी इज इक्वल टू वन। क्लास टेंथ में आपने पढ़ा होगा और आपको पता होगा, नहीं है पता तो मैं आपको बता देता हूं कि tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता था वो 1 होता था, है ना। tan 45 डिग्री का जो वैल्यू होता था वो 1 होता था। तो हम लोग यहां पे 1 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, 1 के जगह पर लिख सकते हैं tan 45, ठीक है। tan से tan आपका कट जाएगा, बचेगा क्या, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 45। और यही हमें सिद्ध करना था, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है बेटा। तो इसको आप नोट कर लो। अब इसके अगले वाले लेक्चर में कुछ नए फॉर्मूलेज लेकर आएंगे और कुछ नए न्यूमेरिकल्स लेकर आएंगे बेटा, बस आप प्रैक्टिस करना, उसके बाद आगे बढ़ना। मैं जान रहा हूं कि अभी चीजें थोड़ी टफ लग रही होंगी आपको, लेकिन धीरे धीरे क्या है बेटा, आसान लगेगा। मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये बात कह रहा हूं, थोड़ा लग के मेहनत कीजिएगा, है ना। यहां पर जो कैलकुलेशंस आया बेटा, मैंने सारी चीजें बताई, क्लास सिक्स का कैलकुलेशन था वो भी बताया कि भैया देखो अगर इसको सॉल्व करना है, है ना, अगर इसे हमें सॉल्व करना है 1 - 5/66, अगर हम एलसीएम लेते हैं 66 तो 66 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 × 66 माइनस का, ठीक है। चलिए तब तक अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, इसको आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं आपसे अगले क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।